हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेवन क्लास के मैथ्स में हम चैप्टर फोर कर रहे हैं इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट टू क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी ट्राई करना है, अगर एरर आती है फिर उसको दोबारा फिर ट्राई करो, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर एरर आती है उसको दोबारा फिर ट्राई करके करना है अपने। 5p + 2 इक्वल में 17, इसमें क्या करेंगे हम ट्राई करते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले वैल्यू पुट कर दी, पहले स्टार्टिंग करो 1 से, p इक्वल 1 किया मैंने, 5 × 1 + 2 इक्वल 17, तो 5 × 5 + 2 इक्वल में 17, 7 हो गया, 5 × 2 = 7 इक्वल 17, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 9, क्योंकि दोनों साइड्स की इक्वल नहीं आ रही। फिर आप पुट करोगे p इक्वल 2, तो 5 × 2 + 2 इक्वल में 17, 5 × 2 = 10 + 2 इक्वल में 17, 10 + 2 कितने हो गए 12 इक्वल 17, ये भी सेम नहीं आ रहे, तो नो आंसर। अब p इक्वल 3 पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 + 2 इक्वल में 17, 5 × 3 = 15 + 2 इक्वल में 17, 5 × 15 = 2 कितने हो गए 17, और इक्वल में भी क्या आ रहा है 17, तो मतलब क्या आ रहा है, यस, तो यानी कि 100। मुझे क्या बताना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, 100 पी इक्वल 3 आंसर। जहाँ पे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी वहाँ पे मतलब क्या है, यस है आपका, मतलब दोनों साइड्स की इक्वल हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पी इक्वल 3। मुझे पी की या एक्स की भी दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, और जहाँ पे दोनों सेम आ जाएंगे ट्राई करते रहना, मतलब 1 से स्टार्ट हो, 1 फिर 2 फिर 3, मान लो कि 3 पे भी सेम नहीं आता तो 4 पे 5 पे ऐसे करते जाओ, जहाँ पे आपका आ जाएगा वो आपका लास्ट में आंसर निकल जाएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट इक्वेशंस इन स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ नंबर एक्स एंड 4 इज 9, कह रहा है सम क्या हो गया, दोनों का ऐड, यानी कि दोनों को जो प्लस करके आ रहा है, किस किस का प्लस, एक्स एंड 4 का, वो 9 आ रहा है, यानी कि एक्स प्लस 4 इक्वल 9, ये बन गया आपका स्टेटमेंट। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, 2 सब्ट्रैक्टिव मतलब माइनस करना है 2 को आपने, किस में से, फ्रॉम वाई, वाई में से माइनस करना है, तो फ्रॉम वाई चीज़ को लिखेंगे पहले, क्योंकि मुझे इस में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2 माइनस करना है, कितना आ रहा है इज इक्वल, यानी कि 8 इक्वल में क्या आ रहा है इसके 8। 10 × a = 70, 10 times मतलब 10 गुना, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 × a = 70, ए का 10 times यानी कि 10 × a यानी कि 10a हो जाएगा, इक्वल में कितना हो गया 70, 10a इक्वल में 70। नंबर b divided by 5 b को डिवाइड करना है 5 से, यानी कि बाय में 5, इसके इक्वल में कितना आ रहा है 6। ये हो गए आपके इसके जो हैं क्वेश्चन 4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हैं इसके स्टेटमेंट वाले फॉर्म में। इसके और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी करवाते हैं अभी। क्वेश्चन 4 में जैसे ये कह रहा है आपको 1/4 ऑफ ए नंबर एक्स माइनस 4 gives 4, 1/4 यानी कि 1/4, ओह मतलब मल्टीप्लाई, नंबर x यानी कि x, फिर क्या कह रहा है 1/4 ऑफ x माइनस, ये माइनस का साइन, 4 gives यानी कि इक्वल, इक्वल में कितना आ रहा है 4, तो x बन जा x, x बाय 4 माइनस 4 इक्वल 4, ये होगी स्टेटमेंट की फॉर्म। जैसे एक आधा और ले लेते हैं, इसका लास्ट वाला पार्ट है, नाइन्थ पार्ट, इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ जेड यू गेट 30। इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं 3, किस में ऐड करते हैं 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड
में आप क्या ऐड करते हो, 3 ऐड करते हो, कितना आता है 30। तो जेड बन जाए जेड, जेड बाय 3+3 इक्वल में 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो स्टेटमेंट हमें गिवन थी, हमने उसको इक्वेशन बनाई थी। मैंने गलती से कह दिया कि स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट नहीं बनाई हमने, उसकी क्या बनाई है, इक्वेशन बनाई, कि हमें स्टेटमेंट गिवन थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। इनको स्टेटमेंट में लिखना है और इक्वेशन हमें गिवन है। जैसे ये है P+4=15। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि P+4 यानी कि P और 4 का जो सम आ रहा है, ऐड करके कितना आ रहा है 15। तो इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ P एंड 4 इज 15। जैसे ये है इसका सेकंड M-7=3, यानी कि इसका मतलब क्या है, 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, m में से। तो ये आ जाएगा 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज या गिव्स 3। आपका 3 आ रहा है। 2m=7 यानी कि 2 times m is 7, यानी कि 2 और m के बीच मल्टीप्लाई है, इसे बोलेंगे 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना 2 टाइम्स m इज 7। नेक्स्ट जैसे है आपका फिफ्थ पार्ट है इसका 3m/5=6। इसे हम क्या लिखेंगे, 3/5, 3/5 को क्या लिखेंगे, 3/5 ऑफ m, 3/5 ऑफ m इज 6 या गिव्स 6। जैसे ये है नेक्स्ट 4p-2=18। अब यहाँ से मैं क्या बदल रहा है, अभी 2 को माइनस किया जा रहा है किसमें से, 4p यानी कि 4 times p में से। तो क्या लिखोगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 times p, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 times p इज 18, वो 18 आ रहा है। अब इस लेक्चर में हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अगर फिर भी कोई किसी भी पार्ट में आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैंने मोबाइल नंबर लिख रखा है, वहाँ से अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं।